सिंस मैं आप सुनिए और आप देख रहे हैं वो बॉलीवुड क्रेजी। आज जो बात करने वाला हूँ वो फिल्म कलेक्शंस के बारे में, वो भी 19 डेज के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि इस फिल्म ने कमाई कर ली है 300 करोड़ के ऊपर की तो आप शौक हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही है। बिल्कुल आज ये फिल्म ने ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है 301 करोड़ का, और इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। अगर हम बात करें पहले हफ्ते की, दूसरे हफ्ते की, तीसरे हफ्ते की, तो इनके कलेक्शन बहुत ही बेहतर आए हैं। आपको सब चीजें आपको फटाफट बताऊंगा। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 238.35 करोड़ की कमाई की थी, और पहला हफ्ता आपको याद होगा बुधवार को शुरू हुआ था, यानी कि 9 दिन का था पहला हफ्ता। दूसरे हफ्ते में 49.65 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 50 करोड़। तीसरे हफ्ते में 13.75 करोड़ की इसे कमाई की है। अगर मैं बात करूं इस फिल्म का कलेक्शन के फ्राइडे सैटरडे संडे की, यानी कि थर्ड वीक के फ्राइडे सैटरडे संडे की, तो थर्ड वीक के फ्राइडे को इस फिल्म की कमाई की थी वो 2.80 करोड़ की थी। थर्ड वीक के सैटरडे को इसे कमाई की थी 4.35 करोड़, और थर्ड वीक के संडे को इसे कमाई की है 5.60 करोड़ तक की। तो यहाँ पर जो इसका टोटल आया है आपको वो बता देता हूँ। इसका हिंदी में अकेला टोटल जो है 287.90 करोड़ तक का आया है, और इसका तमिल तेलुगु वर्जन में जो ट्रेलर और वीडियो है, क्या बोलते कलेक्शन है, वो 13.85 करोड़ तक का है। तमिल तेलुगु वर्जन में अकेला 13.85 करोड़, और हिंदी वर्जन में 287.90 करोड़। टोटल इस फिल्म ने 301.75 करोड़ तक की कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, 301.75 करोड़ इन जस्ट 19 डेज, और यहाँ से फिल्म इजिली 310 से 312 या 15 करोड़ तक भी जा सकती है। तो आप कलेक्शन कितने कुछ जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।